वेलकम बैक टू माई स्टडी चैनल फ्रेंड्स हमारा आज का टॉपिक बहुत ही इम्पार्टेंट होने वाला है बिकॉज आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एंटोनियम्स एंड सैनोनीम्स फ्रेंड्स इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जे के एस एस पी क्लास फोर जॉब्स दैन दिस टॉपिक इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रिपेशन बिकॉज यू नो ट्वेंटी मार्क्स की इंग्लिश आने वाली है आपको आपके एग्जाम में सो so, हमारा जो टारगेट है वो है ट्वेंटी आउट ऑफ ट्वेंटी फ्रेंड्स ऐसा है टारगेट बड़ा लेके चलेंगे तभी जो है बात बनेगी आइए चलते हैं शुरू करते हैं आज का ये वीडियो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ए से शुरू होने वाले जो बर्ड है हमारा ए उससे शुरू होने वाले सारे के सारे सनोनीम्स और एंटोनियम्स सो शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज का हमारा जो फर्स्ट बर्ड है वो है आकवर्ड सनोनीम्स होता है कलमसी अन ponderous और रफ़ ठीक है अकवर्ड ungainly ponderous और रफ तो यहाँ पे ungainly से आपको आइडिया मिल गया होगा कि होता है जिसमें जो है कोई भी बेनिफिट होने वाला ना हो तो अकवर्ड clumsy अनगेनली ponderous और रफ़ उसके बाद में अगर हम बात करें एंटोनियम्स की तो होता है क्लाइबर डेक्स्ट्रस एप्ट और स्किलफुल ठीक है यहाँ पे जो है क्लेबर डेक्स्ट्रस एप्ट और स्किलफुल जो है एंटोनियम्स हैं किसके आकवर्ड के नेक्स्ट आता है बर्ड अपेरेंट तो सनोनीम है इसका एविडेंट ओबियस ठीक है उसके बारे में perceptive, perceptible और उसके बारे में है distinct तो एंटोनियम है इसका मास्कड ऑब्सक्योर इन डिस्टिंक्ट और डाउटफुल अपेरेंट होता है कि कोई भी चीज़ जैसे क्लियर है हमें ठीक है अभी यहाँ पे जो सनोनिम है अपेरेंट का एविडेंट ओबियस प्रसेप्टिबल डिस्टिंक्ट और एंटोनिम है यहाँ पे यू नो मास्कड ऑब्सक्योर इन डिस्टिंक्ट और डाउटफुल चलते हैं आगे एल्यूर सिनोनिम होता है इन फैसिनेट सेड्यूस और एंटोनिम होता है इसका रिपल्स रिपेल टैटर डिस्टेस्ट, ठीक है चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे एबोटि एबोटिब उसके बारे में है इसका जो सैनोनिम होता है वेन यूजलेस फ्रूटलेस अनप्रोडक्टिव प्रोडक्टिव एंटोनिम होता है एफक्ट एफक्चुअुअल प्रोडक्टिव सक्सेसफुल प्रोग्रेसिव नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास तो यहाँ पर जो एबोटिव है इसका जो सनोनिम्स है बेन उसके बाद में यूजलेस फ्रूटलेस अन प्रोडक्टिव एंटोनिम्स हैं एफेक्चुअल प्रोडक्टिव सक्सेसफुल प्रोग्रेसिव नेक्स्ट है यहाँ पर एबोमिनेबल एबोमिनेबल का सिनोनिम होता है ओडियस डिटेस्टेबल रिपोजेंट उसके बारे में है एवरजन तो जो एबोमिनेबल का सिनोनिम होता है ओडियस डिटेस्टेबल रिपोगनेट उसके बारे में है एवर्जियन नेक्स्ट आता है हमारे पास likeable pleasant affectionate enjoyable तो ये है इसके antonyms ठीक है तो उसके बाद में आते हैं next word पे that is acidus acidus का जो synonym होता है constant diligent attentive preserving antonym होता है indifferent careless indolent और lethargic चलते हैं आगे एबजूर एबजूर का सैनोनिम होता है फॉरशेक रिनाउंस रिट्रैक्ट उसके बारे में है रिबोक एंटोनिम होता है अप्रूव सेंक्शन पेट्रोनाइज एडॉप्ट एब्जेक्ट एब्जेक्ट डिस्पिकेबल सरबाइल बेस कॉन्टेम्पटिबल तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट का है यहाँ पे आ, सैनोनियम्स डिस्पाइ डिस्पिकेबल सरबाइल बेस कंटेमल नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास जो एंटोनियम है इसका वो होता है एग्जाल्ट कोमेंडेबल प्रेसबर्दी इम्पोजिंग नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है अवर्जन अवर्जियन का है डिसलाइक हेट इनडिफरेंट अपैथी ठीक है तो यहाँ पे जो एवर्जन है इसका सनोनीम्स हैं डिसलाइक हेटेड इन एपैथी और एंटोनिम्स हैं अफेक्शन फॉन्टनेस नाइसनेस काइंडनेस नेक्स्ट वर्ड है अथेंटिक अथेंटिक का है जेन्यून रिलाईएबल वैलिड ग्रेनटेड और यहाँ पे एंटोनिम्स हैं फिक्शियस काउंटरफिट न रियल फॉल्स ओडिस्टिका है बोल्डनेस एरोगेंस ये सैनोनिम्स हैं इसके जो ऑडिस्टिका सनोनिम है वो है बोल्डनेस एरोगेंस इंसोलेंस और हॉन्टिनेस उसके बाद में जो इसका एंटोनिम्स है ओडिस्टिका मिल्डनेस ह्यूमिलिटी क्वाडिस और सबमिशन नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास है एबिटर एबिटर जो है इसका जो सेनोनिम होता है असिस्टेंट एक्म्प्लाइस कोलीग एसोसिएट और इसका एंटोनिम होता है ओपोनेंट एडवर्सरी एंटागोनिस्ट और राइबल ऐसा है इन वर्ड्स को आप कम से कम दो तीन बार रिवाइज कीजिए ताकि आपको अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे बिकॉज यू नो आपको ऑप्शंस मिलेंगे वहाँ पे और यू हैव टू टिक द राइट ऑप्शन देयर सो यहाँ पर आता है पहले अरेन अरेन का जो सैनोनियम होता है दैट इज चार्ज ब्लेम एक्यूज कॉम्प्लेन सैनोनियम साइंस के अरेन का है चार्ज ब्लेम एक्यूज कॉम्प्लेन एंटोनियम्स आर एक्स कल्पेट पार्डन उसके बाद में है कंडोन एक्जोनरेट तो ये है इसके एंटोनियम्स एरेन चार्ज ब्लेम एक्यूज कॉम्प्लेन सैनोनियम्स ऑफ एरेन है ये उसके बारे में है एक्सकल्पेट पार्डन उसके बारे में एक्जोनरेट तो ये है इसके एंटोनियम्स एपैथी का है अनकंसर्न इन डिफ्रेंस इन यह है सैनोनीम्स किसके एपैथी के अभी आते हैं एपैथी के एंटोनियम्स आर कंसर्न केयर एनजाइटी ईगरनेस दीज आर द एंटोनियम्स ऑफ एपैथी नेक्स्ट बर्ड इज एला क्रिटी एलाक्रिटी का जो सैनोनीम्स है स्विफ्टनेस ब्रिस्कनेस प्रॉम्प्टनेस स्पीड और एंटोनियम्स आर लेजीनेस स्लगिशनेस इनडोल सेंस और लिथार्जी नेक्स्ट है हमारे पास एफरंट प्रोबोक एक्सा सेपरेट उसके बाद में नेक्स्ट है इन डिग्निटी इरेली इरीवरेंस तो जो एफरंट का है सेनोनिम होता है प्रोबोक एक्सा सेपरेट इन डिग्निटी और इरीवरेंट्स ये है इसके सेनोनीम्स और एंटोनिम्स हैं एफरंट के कॉन्सीट एपीज मोलीफाई एशुएस दीज आर द एंटोनिम्स सो फ्रेंड्स इन वर्ड्स को आप कम से कम दो तीन बार रिवाइज कीजिए ताकि आपको अच्छे से रिवाइज हो जाए ए से रिलेटेड जितने भी आपको वहाँ पे सैनोनीम्स और एंटोनिम्स पूछे जाएंगे वो यहीं से आएंगे बिकॉज दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड वर्ड्स ये प्रीवियस एग्जाम्स में रिपीट हो चुके हैं सारे के सारे वर्ड्स सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो प्रिपेयर बेल परफॉर्म बेल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तो तकली तो तो बाय बाय टेक केयर